गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जी आज है सोमवार और देखो आज पुष्पा की तबीयत जो है थोड़ी सी खराब हो गई है, पता नहीं बीपी लो रहा। गुड मॉर्निंग तो कह दे, तो इसकी तबीयत खराब है और फिर क्या करें, काम पे तो जाना ही पड़ेगा जैसे भी है। तबीयत ठीक नहीं है, काम पे तो जाऊंगी, क्या करूँ, छुट्टी नहीं कर सकती ना। हाँ ये तो बड़ी मजबूरी है, चलो क्या करें। अब पुष्पा दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, बीपी लो हो रहा है। हाँ चल चाय कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी पी ले, फिर भी जाना तो पड़ेगा, क्या है। पर देख लियो अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो यार बता दियो, कोई ने फ़ोन कर दियो। और पुष्पा की आज थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब है, वैसे हम काम करके आगे सुबह से और अब शाम हो गई है, तो मतलब अब घर का थोड़ा सा जो काम करना है, तो मैंने पुष्पा को कहा कि पुष्पा तू कर आराम, थोड़ा सा काम आज मैं कर लेता हूँ, सब्जी वब्जी मैं ही बना लूँगा आज, है ना। तो आज क्या बनाऊँ तेरे लिए बता दे। मटर पनीर तो मटर पनीर खाना है तो ठीक है, बना देंगे जी, कोई बात नहीं, मटर पनीर बन जाएगा जी। और रोटी तो चलो बच्चे बना देंगे, है ना, रोटी बच्चे, क्योंकि रोटी तो मुझे नहीं आती, सच बताऊँ मुझसे ना टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है रोटी। रोटी बच्चे बनाएंगे वही है देखा, रोटी मतलब वो ना नक्शा है उसका समझ में नहीं आता, वो भूगोल उसका बिगड़ जाता है। भूगोल तो... रोटी वो पापड़ ऐसे बना लूंगी। वही बात है, पापड़ बनाएंगे या रोटी बनाए, चलो फिलहाल मैं सब्जी बना, सब्जी तो ठीक ही बनाता हूँ यार, है ना, सब्जी ठीक बनाता हूँ जी। तो दोस्तों आप बताना, आप भी कभी कभी अपनी वाइफ की हेल्प करते हो कि नहीं करते हो, ऐसे रसोई में काम में थोड़ा सा हाथ बटाते हो या नहीं। और मेरे हिसाब से तो बटाना चाहिए, क्योंकि यार पता क्या, चाहे मैं तो कह रहा हूँ अगर हाउस वाइफ ही है तो उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है, थोड़ा सा मतलब काम तो मैक्सिमम वही कर लेती है, लेडीज ही कर लेती हैं, पर ये कि थोड़ा सा हाथ बटाने से थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्यों लगता है अच्छा, खुशी तो होती है ना अंदर और... कि मतलब काम तो तुम नहीं करना होता, लेकिन थोड़ी सी अंदर से जो खुशी होती है वो होती है ना, कि यार चलो जी थोड़ा सा हाथ बटाया करके, वाह हमने तो क्या ही करना है। अगर किसी को नहीं भी आता तो थोड़ा वैसे जाके खड़ा हो जाए, दो प्यार के बोल बोल ले, बस उतने में ही हो जाता है। तो चलो मैं अब लेके आता हूँ पनीर, फिर मटर वटर छिलते हैं और मैं तैयारी करता हूँ, फिर मिलूंगी आपसे। मैंने बोला था मटर पनीर ले आना और ले भी आए हैं और इन्होंने तैयारी हुई कर ली है, दिखाती हूँ आपको। हो गई तैयारी सारी? सारी होगी जी, सारी होगी। मसाला ही बन गया, मसाला देख बिल्कुल रेडी हो गया, ये देख बड़ी फूर्ती मारी है तुमने, हैं बड़ी तेजी दिखाई है। चलो जी देखो दोस्तों, मसाला पूरा है रेडी हो गया, टमाटर डाल के थोड़ा सा टमाटर पहले गला लेते हैं फिर मटर डाल देंगे इसमें। अरे नहीं यार पुष्पा फास्ट, मतलब मेरे से ज़्यादा पुष्पा फास्ट है, इतना तो मैं मानता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को बनाने में मान लो कि अगर मैं लगाऊंगा आधा घंटा, तो पुष्पा उसको लगभग 17-18 मिनट, मतलब 10-12 मिनट का फर्क पड़ जाएगा, इतना मतलब है, मतलब फास्ट है। आधो आधा लगभग लगा के चलोगे आधे घंटे में और 15-20 मिनट में बना देंगे। नहीं ये बात तो मैं मानती हूँ अपने लिए। सच्ची बोल रहे हो मेरे, क्या ऐसी बोल रहे हो? नहीं नहीं मजाक नहीं, सच में बोल रहा हूँ, ये तो मतलब ये ऐसे नहीं कि हमने ब्लॉग में डालना है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, पर सच में ये काम करने में बहुत फास्ट है, मतलब कोई भी चीज़ कहते हो करती है बिल्कुल तरीके से और पूरा मतलब टू द पॉइंट, मतलब एकदम करके देगी। अभी मटर छिलने में मैंने मान लो कि अगर 15 मिनट लगाए तो इसलिए 5 मिनट में कर देंगे। धन्यवाद। और ये देखो जी मसाला कितना जबरदस्त बन गया, मटर अच्छे से भून लिए, अब इसमें बस प्रेशर लगाऊंगा, 2-3 सीटी में हो जाएगा बस खत्म, क्योंकि मटर भी कोमल सी है ना। चल तू रेस्ट कर, ठीक है तू रेस्ट कर यार, मैं बना रहा हूँ ना रोटी, बना लेंगे बच्चे आराम से, तू रेस्ट कर। देखो मेरे पति सब्जी बना के आ गए, अब अपने मंजी लगा रहे, कितना काम करते मेरे पति देखो। सब्जी बनाने की जिम्मेदारी थी मेरी, और अब जो पुष्पा है वो सब्जी को परोसने लगी है, और सब्जी देखो क्या मस्त बनी है, ये मस्त जोड़ी की तरह मस्त सब्जी बनी है, वाह वाह कैसा है। चलो अभी पुष्पा, अब पुष्पा डालेगी सब्जी सबके लिए, डालने की जिम्मेदारी मेरी, बनाने की तुम्हारी। ठीक है। तो दोस्तों कटोरियां देख के तो आपको समझ आएगी आपको कि हमारे परिवार में कितने लोग हैं, दो तो हम हो गए और दो हमारी
ठीक है, समझ गए ना, टाइम भी ना लगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, 11:15 तो हो ही गया है, और 11:15 देखो हम रात का खाना खा रहे हैं, सब खाने लगे हैं बस, है ना, ये देखो सब खा रहे हैं, और चलो मैं भी खाता हूँ, और ये थोड़ा सा दोपहर का चावल भी बचे हैं तो ये भी मैं खा जाऊँगा, तो चलो फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं। चखने का काम करूँगी, हैं मेरी चखने की जिम्मेदारी है ना, क्या चखने का काम, चावल अच्छा सब्जी सब्जी हाँ तो चलो चख के बता दे फिर सब्जी, ये क्या कर रही है, ये भी मैं खाऊंगी ना थोड़ी सी, अच्छा वो बढ़िया की सब्जी, बहुत अच्छी बनी है, सही में अच्छी बनी है, सही में गुड गुड वाली बनी है, तो मैं सीधे बोल देती गंदी बनी है, चलो अच्छी, चलो मैं ऐसे खुश होकर किसी को नहीं करती, हाँ देखो जी पनीर की सब्जी, तो आपको भी देख के कैसी लग रही है देखो बताओ, चलो पहले खाना खा लेते हैं यार, फिर उसके बाद एडिटिंग भी करनी है, बहुत से काम बाकी। तो दोस्तों डिनर हो गया अच्छे से, पुष्पा ने भी खा लिया और दवाई भी खा ली, अब पुष्पा पी रही है क्या दूध, मैं भी दूध पीऊँगा अभी थोड़ी देर में, क्या मैं पिला दूँ पुष्पा, बीमार हो रखी है, नहीं मैं खुद से पी लूँगी, इतनी बीमार नहीं हूँ नहीं मैं क्या, चलो मैं पिला देता हूँ, अब ठीक हूँ सुबह से, वैसे अब तो काफ़ी फ़र्क है पुष्पा को, थोड़ी सी अब थोड़ी सी मतलब मेरी बनाई हुई, मेरी बनाई हुई सब्जी खा के थोड़ा सा ये क्या है ये देखो, अब ये भी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे कर, चलो वो तो कोई चक्कर नहीं है, वो तो इसने दबाई मैंने दबाई की बात है, कोई बात नहीं, आज मैं दबा रहा हूँ कल मजाक कर रही हो, कभी दबाती हो से, नहीं नहीं पर मेरे तो दबा दियो यार, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मेरे तो दबाती है अभी, ऐसी बात नहीं, मैं दबाती, चल तू दूध पी ले थोड़ी ताकत आ जाएगी ना, जब कल परसों में फिर मेरे पैर दबा दे ठीक है अच्छे से, हाँ जी तो चलो जी पुष्पा से अब एग्रीमेंट हो गया, ये मेरे पैर दबाएगी क्योंकि आज मैंने इसको सब्जी खिलाई ना अच्छी वाली बना के, है ना पनीर वाली, हाँ ठीक है, तो ठीक है दोस्तों अच्छी वाली खिलाई, बहुत अच्छी वाली नहीं बहुत अच्छी वाली नहीं, अच्छा अभी बहुत अच्छी बाकी है, अच्छा बहुत अच्छी बाकी है जी अभी, चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी वाली भी खिला देंगे, तो दोस्तों होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, हमारे चैनल पर नए हैं तो, और हाँ कोई कमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं कुछ, और अगर कुछ गलती होगी तो कमेंट करके बता सकते हैं, तो बस अब आज के व्लॉग में इतना ही, मतलब आप लोगों को पसंद आ रहा है तो हाँ, चैनल अगर आप देखते हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करो, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ या थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर करना, है ना, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो ठीक है अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मस्त जोड़ी की ओर से आपको गुड नाइट, और हमेशा मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead